Shall we wait for 2 more minutes? 1 minute I will wait, and then we'll start because okay. Pooja Rajput, Akshay, these two are not there. So 11, and then Shraddha Dhotre is not there. 12, and one more candidate is not there. We have 12 or 13 candidates. Okay, fine, not an issue. That we'll look after. So yesterday we have seen these 4 programs. 1, 2, 3, 4. So first of all, tell me, anybody is having any doubt in these 4 programs? I want individual reply in chat box. If you have problem, you say yes, sir. If you don't have any problem, then say no, sir. There are 8 participants right now, so I want answer of 8. One, two, three, four, five, six, seven. Only 7 have replied. Okay, means I guess Rasika, you have problem? No, sir. वो लैपटॉप हैंग हो रहा है इसलिए वो reply नहीं दे पा रहे हूँ मैं. अच्छा नहीं, there are 2 Rasika, that's why. Okay, fine. Now we will move to the 5th one. I told you to try for 5th one. How many of you have tried and how many of you got the answer? Kitne logo ko mila hai output pehle to 5th ka? Isne try kiya 5th? Okay, anybody else? Okay, good. So Karan got it. The Sahil has tried. Okay, Sunil has got, I guess. Priti, Sunil, have you got answer? Yes, sir. Yes. Na easy hai. Kuch hai nahi usme. Theek hai. Priti have also tried. Good. See, before going on 5th, 5th is very simple. I'll again tell you about 4th, and then we will go to the 5th one. I hope screen is visible to you. Yes. Yes, sir. Yes. See, yesterday we have seen this program. I'll show you the output of this. 1, 2, 3, 4, 5. See what क्या करना है? इतना स्पेस जो है, ये इतना स्पेस एक टैब का छोड़ देने का, इतने की बात कर रहे हैं हम लोग. तो पहले लाइन में 0 है, बाद में 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है. तीन, चार, ठीक है. तो पहले लाइन में 1 भी स्पेस नहीं है, दूसरे लाइन में 1 स्पेस है, तीसरे लाइन में 2 स्पेस है, बाद में 3 है और फिर 4 है. हम लोग क्या करेंगे स्पेस के लिए,
टैब है, सॉरी। तो ये तो डिपेंड करता है कितनी लाइन्स है उसके लिए, तो 5 लाइन है तो 1 to 6 दिया है तो 1 to 5 आएगा, दैट इज ओके। फॉर वाई इन रेंज ऑफ 0 to x, तो पहले में एक भी नहीं होना चाहिए, ये नीचे वाला लाइन जो है वो प्रिंट करेगा टैब, तो एक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं 0 to 1 करता हूं, यहाँ पे अगर मैंने ऐसा किया 1 to 1, तो क्या हो जाएगा, पहले 1 आएगा यहाँ पे, तो 1 1 मतलब कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी भाई की, तो ये वाला कुछ भी नहीं शो करेगा क्योंकि 1 और ये भी 1, तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा उसमें, जीरो वैल्यू है भाई की, कोई भी वैल्यू नहीं है मतलब, तो टैब नहीं आएगा पहले लाइन में, ठीक है। फिर क्या है, फॉर के इन रेंज 6, x, -1, तो यहाँ पे अगर 1 डालते हैं हम लोग तो 6 to 1, तो कितना आता है 6, 5, 4, 3, 2, मतलब 5 वैल्यू आती है, तो 5 वैल्यू मतलब क्या, तो स्टार विद गैप विद टैब, तो 5 स्टार प्रिंट होंगे टैब के साथ, ठीक है। ओके, सो दिस इज दैट वन। नाउ सो इन दिस वे बाद में x की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 1 to 2, तो 1 to 2 मतलब अभी एक वैल्यू है क्या y की, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1 to 2 मतलब y की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू 1 होगी मतलब एक टैब आएगा, एक टैब आएगा मतलब यहाँ पे एक टैब आएगा, बाद में 6, x मतलब x की वैल्यू 2, तो अभी क्या 6, 5, 4, 3, 4, तो 4 स्टार आ जाएंगे, आ गए। फिर क्या करने का, x की वैल्यू 3, तो 1 and 2 y की वैल्यू आएगी, तो 1 and 2 दो टैब आ गया, ये टैब यहाँ पे प्रिंट होगा। फिर यहाँ पे क्या है 3, तो 6, 5, 4, तो क्या 6, 5, 4 मतलब 3 वैल्यू है, 3 स्टार आएंगे, तो 1, 2, 3 स्टार आएंगे। तो अगर मैं इसको अगर रन करता मैं, तो ऐसा आउटपुट आता, बट हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा गैप चाहिए, एक सभी में कॉमन टैब चाहिए, कॉमन टैब चाहिए, इसीलिए मैं टैब वाले सेक्शन में जहाँ वाई जो है टैब को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे मैं 0 से स्टार्ट कर देता हूँ, तो मुझे सब में कॉमन एक टैब मिल जाएगा। अभी ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को। अभी नेक्स्ट प्रोग्राम जो है, ये फोर्थ प्रोग्राम था मतलब ये वाला, अभी फिफ्थ प्रोग्राम है। फिफ्थ प्रोग्राम में भी क्या हो रहा है, फिफ्थ प्रोग्राम की अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पे तक एक कॉमन टैब है, वो बाद में हम लोग ऐड कर लेंगे। स्टार्टिंग में स्टार 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, स्टार की बात करें तो, ठीक है। और यहाँ पे फिर कितने टैब आएंगे, यहाँ पे 4 टैब आएंगे, यहाँ पे टैब बोल दो या गैप बोल दो, जो भी बोलना है आपको, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 टैब, यहाँ पे 1 टैब। तो टैब जो है वो कैसे जा रहा है, 4, 3, 2, 1। तो पहले हम लोग टैब का डिक्लेयर कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग इसको मैं साइड में रखता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको ऐसा आएगा नहीं शायद से। Now is it clear? Yes, sir. तो अभी हम लोग ये वाला प्रोग्राम कर रहे हैं, ये वाला कैसे करेंगे, सिंपल सा है। एक्स का तो हम लोगों को 5 लाइन चाहिए, तो 1 to 6 करोगे क्या, वो आगे आके समझ में आएगा कि 1 to 6 करना है कि 6 to 1 करना है, क्या करना है, ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। फिलहाल हमें क्या करना है, ये टैब मैं बाद में डालूंगा, पहले यहाँ से यहाँ 4 होना चाहिए, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, for y in range 0 to x. क्या होगा,
टैब पहले में मुझे चार चाहिए, चार चाहिए मतलब जीरो, फिर तीन चाहिए, फिर दो चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ पे x ऐसा लिखा 021 02x, तो यहाँ वन आएगा तो पहले टैब एक आएगा, जबकि मुझे उल्टा चाहिए। उल्टा चाहिए तो मैं क्या करूंगा, फाइव डाल दूंगा। अभी क्या होगा, यहाँ पे x की वैल्यू वन होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, 5 4 3 2, मतलब चार वैल्यूज हो रही है, तो चार टैब पहले लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। फिर x की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 में 5 4 3, तीन टैब आएगा नेक्स्ट लाइन में। फिर 3 होगी तो 5 4, फिर 4 होगी तो 5, एक ही वैल्यू होगी, ठीक है 5, क्योंकि यहाँ पे 4 आएगा तो 5 और 4 मतलब एक ही वैल्यू आएगी, दैट इज 5, ठीक है। लेकिन ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है मतलब यहाँ पे मुझे सिंटैक्स इसका ऐसा बैठा है, ठीक है। अभी अभी क्या करना है, अभी मान लो इसी वैल्यू को आगे लेके चलते हैं, तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 होती है तो स्टार कितने प्रिंट होंगे यहाँ पे, तो 621 मतलब 6 5 4 3, पांच पहले लाइन में पांच स्टार होंगे, जबकि हमें पहले लाइन में एक स्टार चाहिए, तो एक स्टार चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करता हूं, से यहाँ पे जीरो से स्टार्ट किया, फिर क्या होगा, जीरो से यहाँ पे वन आया तो एक स्टार आएगा, क्या जीरो, जीरो मतलब एक पोजीशन मिल रही होगी। फिर जब एक्स की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पे दो स्टार मिलेंगे नेक्स्ट लाइन में, फिर तीन स्टार मिलेंगे, फिर चार स्टार मिलेंगे, फिर पांच स्टार मिलेंगे, लाइक वाइज। तो x की लास्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 है, क्योंकि 6 है मतलब x की लास्ट वैल्यू 5 रहेगी, यहाँ 5 आ गया, तब 0 1 2 3 4, तो चार स्टार पांच स्टार लास्ट लाइन में प्रिंट हो जाएंगे। पहले इसको करते हैं, बाद में ये जो लास्ट का जो एक कॉमन स्पेस है वो डाल देंगे हम लोग। तो कैसे करने वाले हम लोग, तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, इतना ज्यादा स्पेस नहीं है, मतलब यहाँ पे टैब नहीं है, यहाँ पे ऐसा स्पेस है, तो हम लोग ऐसा ही स्पेस देंगे, यहाँ पे ऐसा स्पेस देंगे, ठीक है। वापस से इसको रन करते हैं, ओके, मतलब वो टैब है फिर, ठीक है, नॉट एन इशू। अगर मैंने ऐसा किया तो, और यहाँ पे ऐसा किया तो, एक बार वो रन करके देखते हैं, तो टैब डाल देंगे, नहीं वो एक लाइन में आ रहा है, तो टैब विल वर्क नाइसली। तो ये अभी ये यहां से नहीं स्टार्ट होना चाहिए, ये थोड़ा एक टैब के साथ स्टार्ट होना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, इधर एक एक्स्ट्रा लाइन में एक्स्ट्रा टैब चाहिए, बाकी सब बराबर है। सो आई विल स्टार्ट विद 6, यहाँ पे क्या, यहाँ पे चार था, वहां पे पांच टैब हो जाएगा, लाइक वाइज अभी बराबर हो गया। अभी देखो आप इसको 1 2 3 4 5 स्टार बराबर है, और उसके हिसाब से टैब भी बराबर है, जो स्पेस है वो भी बराबर है। तो दिस इज प्रोग्राम नंबर 5 जो हम लोगों ने किया। मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है वहां पे, ये यहां से स्टार्ट है, इसको इधर डाल दिया तो ये यहां से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रिंट Yeah.
यार पता नहीं ये सेशन जब चालू रहता है तो व्हाट्सएप क्यों नहीं ऑन होता, बाकी इस टाइम में तो व्हाट्सएप ऑन होते हैं। ओके एक सेकंड ना, टाइम ले रहा है थोड़ा सा। हाँ तो ये फिफ्थ प्रोग्राम है आपका, प्रोग्राम एंड आउटपुट दोनों साथ में है इसमें, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन। प्रोग्राम पहले ये देख लो, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, इज इट विजिबल ना, फोर, यस और नो? डू वन थिंग, ऐसा लिखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टी, ठीक है। सो अभी हम लोग सिक्स प्रोग्राम देख रहे हैं। सिक्स प्रोग्राम को अगर आप देखो तो ये इस साइड और इस साइड तो ये बीच में आ रहा है पूरा का पूरा। मैं बताता हूँ ये कैसे होता है, बीच में आप हर इसमें दो दो स्पेस दे दो टैब तो ये अपने आप बीच में आ जाएगा। ये मतलब आप दो दो टैब दे दोगे तो ये बीच में अपने आप आ जाएगा, तो वो कॉन्स्टेंट रखना है हमें टैब, ठीक है। अभी है क्या, तो पहला वन स्टार टू स्टार थ्री स्टार फोर स्टार फाइव स्टार, तो क्या करेंगे लास्ट वाला जो लूप है फॉर के इन रेंज जीरो टू एक्स कर देंगे और एक्स ऊपर में वन से सिक्स कर देंगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से स्टार पैटर्न तो आ जाएगा। के पैटर्न के लिए क्या करेंगे तो मैं आपको प्रोग्राम दिखाता हूँ यहाँ पे सिक्स वाला। ये कांस्टेंट रखा है, देखो यहाँ पे एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं रखा है, मतलब चार टैब चाहिए हमें। चार टैब क्यों चाहिए वो, बिकॉज इधर भी दो और इधर भी दो सभी में, तो तभी जाके ये सेंटर पे आ जाएगा। अगर मैं इसको ऐसा करूंगा तो चेंज हो जाएगा वो, ठीक है। वहां पे सेव करना चाहिए था, प्रिंट में डायरेक्टली, ठीक है। सो वी आर डूइंग दिस प्रोग्राम नाउ। समझ के लो आप लोग, रटो मत कि के नहीं समझ में आ रहा, ठीक है वो तो हो जाएगा कोई बात नहीं। वाई समझ में नहीं आ रहा, वाई लूप करता रहे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा समझ के लोगे तो क्या है दिमाग चलता है, ठीक है। अभी देखो हम लोग कौन सा प्रोग्राम कर रहे हैं, सिक्स वाला कर रहे हैं। तो क्या आएगा, फॉर एक्स इन रेंज वन टू सिक्स और वाई इन रेंज ये कांस्टेंट रखना है, हर इसमें चार का टैप देने का है हमें, तो फाइव वन माइनस वन ये कांस्टेंट कर दिया। प्रिंट क्या करना है हमें, टैब टैब या स्पेस दे सकते, स्पेस देके देखते हैं एक बार कैसा आता है ये। एंड और रेंज और केन रेंज, एक सेकेंड है मैं लैपटॉप ऑन कर लेता हूँ, चार्ज नहीं है वो, जस्ट अ सेकेंड। और के इन रेंज
ये क्या के किस चीज के लिए? स्टार के लिए। तो स्टार 1 2 फिर 3 4 5 इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है तो पहले 1 होना चाहिए। तो हम लोग ऐसा स्टार्ट करेंगे 0 to x, बट लास्ट वैल्यू y 5 है तो उसका इशू है। दो वे से जा सकते हैं हम लोग, अगर 1 लेता हूं तो पहले लाइन में कुछ भी नहीं आएगा ऐसा किया तो भी नहीं आएगा, क्योंकि 1 की वैल्यू आते ही वो 0 0 हो जाएगा, मतलब एक भी नहीं आएगा। जीरो टू क्या करेंगे बोलो, के लिए क्या करेंगे? 1 स्टार आना चाहिए वहां पे, सिर्फ 5x-5 नहीं, 5 किया तो ऊपर में 4 स्टार आ जाएगा। 5x-1 किया, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1 है। ऐसे कर सकते हैं x0-1 सर, 6 5 4 3 2 पांच वैल्यू मिल जाती है हमें यहाँ पे, 1 नहीं इंक्लूड होगा उसमें, यहाँ पे 6 आया तो 1 आ जाएगा, ये परफेक्ट है अभी, ठीक है? क्योंकि पहले क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे x की 6, तो यहाँ पे 5 to 6 मतलब 6 नहीं आएगा, एक ही वैल्यू रहेगी k की, दैट इज 5। नेक्स्ट बार जब वो लुक तो एक ही पोजीशन मिल रहा है उसको, दैट इज वैल्यू 5, तो एक ही स्टार प्रिंट होगा नीचे वाला जो हम लोग स्टेटमेंट में लिखने वाले हैं। ये भी लूप नेक्स्ट में जब रन होगा तो यहाँ पे 6 की जगह बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है? x की 5 है, यहाँ फिर 4 है, 5 पे फिर नहीं रन होगा ये, क्योंकि 6 5 प्रिंट स्टार ऐसा, ठीक है? एंड बताओ इसके में क्या आएगा? प्रिंट सेशन कौन सा प्रोग्राम है? 6 क्या आएगा इधर? इधर अगर 6 डाला मैंने तो 1 वैल्यू आ रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे, ठीक है? तो -1 भी आएगा। अगर मैंने 5 डाला तो 2, 4 डाला तो 3, बट जब मैं यहाँ पे 2 डालूंगा तो 7 6 5 4 3 बराबर है, देखते रन करके क्या आ रहा है। वन टू थ्री फोर फाइव बराबर आ गया। कैसे आया बताता हूँ मैं आपको, ये इतने डिटेल में मैं अभी लास्ट में एक बार समझा देता हूँ मैं, फिर बार बार नहीं समझाऊंगा। ये लाइन जिसको नहीं समझ में आई है वापस से लास्ट टाइम समझ लो इसको। फॉर एक्स इन रेंज ऑफ 6, 1, -1 तो इसमें एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? 6 वैल्यू है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, तो 6 5 4 3 2 पांच वैल्यू है। तो ये पहली बार लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है? x की 6 वैल्यू इंडिकेट कर रही है। ये कुछ भी हो सकता है वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 5 वैल्यू इंडिकेट कर रही है, 4 वैल्यू इंडिकेट कर रही है, 3 वैल्यू इंडिकेट कर रही है, ये 2 वैल्यू इंडिकेट कर रही है। हम लोग 1 to 6 क्यों लिया? क्योंकि हमें x की आप 1 to 6 लो या 6 to 1 लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 5 कुछ भी लो, खाली x के 5 वैल्यू आने चाहिए लाइन के। लेकिन हम लोग ऐसा क्यों लेते हैं? क्योंकि नीचे जो है पैटर्न वो 1 to 5 स्टार है कि 5 to 1 स्टार है, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, इसलिए हम लोग उसकी वैल्यू चेंज करते हैं। अभी ये x की वैल्यू यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है, 5 लाइन इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट क्या है? फॉर y इन रेंज ऑफ 5, 1, -1 तो क्या हो रहा है? 5, 1 तो ये हर बार y की वैल्यू इसमें x के ऊपर डिपेंड नहीं की है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी? y की वैल्यू आएगी 5 4
थ्री टू फाइव फोर थ्री टू तो ये हमेशा चार वैल्यूज वाई की रहेंगे, तो उस चार वैल्यूज में क्या आएगा, वहां पे स्टार आएगा इस पोजीशन पे, क्या आएगा, तो यहाँ पे स्पेस आएगा। तो चार कैसा स्पेस है, एक दो तीन चार ऐसा कुछ हो सकता है वो, ठीक है। मतलब यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, इस वजह से ये वाला नहीं, ठीक है। तो एक बार जब x की वैल्यू सिक्स हुई, x की वैल्यू सिक्स हुई तो उसमें इसने चार स्पेस प्रोड्यूस किए, पहले लाइन में चार स्पेस प्रोड्यूस कर दिए इसने, ठीक है। बाद में फॉर k इन रेंज ऑफ सेवन एक्स माइनस वन, सेवन एक्स माइनस वन, x की वैल्यू क्या है, सिक्स है, तो इसके लिए फॉर लूप कौन सा चल रहा है हमारा, किसके लिए, x इज इक्वल टू सिक्स के लिए लूप चल रहा है, फॉर k इन रेंज ऑफ सेवन कॉमा सिक्स कॉमा माइनस वन। तो यहाँ पे वैल्यू एक्स के, के की वैल्यू एक ही रहेगी, क्या रहेगी, के की वैल्यू, के की वैल्यू सेवन ही रहेगी इसके लिए, क्यों, क्योंकि सेवन टू सिक्स का लूप सेट है वो, तो उसमें एक ही वैल्यू बैठती है, उसमें माइनस वन का कुछ जरूरत ही नहीं है। माइनस वन की जरूरत कब होगी, जब यहाँ पे थोड़ा गैप मिलेगा उसको, मतलब यहाँ जब फाइव होगा तब वो आएगा, अभी फिलहाल एक ही वैल्यू है के इज इक्वल टू सेवन, तो ये के इज इक्वल टू सेवन उसके लिए क्या आएगा, स्टार आएगा, तो वो स्टार यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी ये फिर नेक्स्ट जो है नेक्स्ट लाइन में आएगा, नेक्स्ट लाइन में क्या हो गया, अभी नेक्स्ट वैल्यू फाइव, फाइव मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन जो है फाइव की है, उसमें क्या आ रहा है, फिर चार स्पेस आ रहे हैं, चार स्पेस, चार स्पेस के बाद वो वापस से यहाँ पे क्या आ रहा है, फाइव आ रहा है, फाइव आ रहा है, मतलब अभी क्या आएगा, तो ये लूप कैसे रन होगा, ये वाला के का, तो के का कैसे होगा, इसमें के की वैल्यू दो है, कौन कौन सी, सेवन एंड सिक्स, तो सेवन मतलब दो पोजिशन है, सेवन और सिक्स की, तो ये सेवन पोजिशन हो गई और ये सिक्स पोजीशन हो गई, तो यहाँ पे स्टार, यहाँ पे स्टार आ गया। फिर नेक्स्ट में यहाँ पे एक एक्स की वैल्यू फोर होगी, फोर मतलब थ्री, थर्ड वाली लाइन, तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू है, फाइव से सेवन सिक्स फाइव, तो यहाँ पे तीन स्टार है, क्योंकि उसमें स्टार प्रिंट करने के लिए बोल रहे हैं हम लोग, तो पोजीशन पे। मुझे एक डाउट ऐसा आ रहा है, आप लोग मेरे को थोड़ा सा क्लियर करके दो आप, क्योंकि क्या होता है कि सबका अलग अलग दिमाग चलता है प्रोग्राम के हिसाब से, मुझे तो ये आउटपुट चाहिए था तो मैंने इस वजह से करके दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पेस जो है ना वो ये है सर। हाँ मुझे भी वही डाउट आ रहा था सर, क्योंकि स्टार बाद में प्रिंट होगा ना, स्पेस के पहले प्रिंट, बीच में थोड़ी उसको मालूम है, बीच में प्रिंट करवा रहे हम लोग, ये चार चार स्पेस ऐसे है, वो जो मैंने बताया आपको वो थोड़ा सा ऐसा था, ये चार स्पेस है ऐसा सर, हमने अलग ट्राई किया है सर। हाँ ठीक है, वो ग्रुप पे फोटो भेजो, देखता हूँ मैं, या कोड इसमें चैट में प्रिंट करो, मैं करके दिखता हूँ, इधर चैट में डायरेक्टली प्रिंट करो कोड को। किया क्या चैट में प्रिंट, पेस्ट करो, सुनील एक ही हो गई वो यार, फिर वो उसका तो कोई वैसा नहीं हो, मेरा कुछ अलग लॉजिक है। ठीक है ना, तो वो इसने स्पेस का क्या किया, इसके ऊपर वन या पांच स्पेस, यहाँ पे चार स्पेस, यहाँ पे तीन, यहाँ पे दो स्पेस, या ऐसा कुछ है ना, एक दो तीन चार ऐसा स्पेस है, यहाँ पे एक स्पेस या दो या तीन, ये वाला यहाँ पे कॉमन किया, एक एक स्पेस कॉमन कर दिया आपने, ठीक है। बाद में
बाद में यहाँ पे फिर उसके हिसाब से यहाँ पे वन आया तो पांच स्पेस ऊपर आ जाएगा, फिर चार स्पेस, फिर तीन स्पेस, फिर दो स्पेस, फिर जीरो स्पेस, एक स्पेस, ठीक है ना। बिना प्रिंट होने से लॉजिक वैसा ही है, ये भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी करना क्या है, कैन यू डू दिस प्रोग्राम, ये भी मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये वाला प्रोग्राम हम लोग सुनील के स्टाइल में करेंगे, सुनील का जो कोडिंग है स्टाइल उसके हिसाब से करेंगे। कैसे करना है, तो यहाँ पे पांच स्टार ऊपर चाहिए और एक स्टार नीचे चाहिए, ठीक है। ये वाला हमें क्या दे रहा है, एक स्टार ऊपर दे रहा है, तो स्टार वाले कॉलम में चेंज करेंगे हम लोग, क्या चेंज करेंगे। हेलो सर, जीरो सर, मैंने नहीं, वो सर प्रीति ने किया है सर। प्रीति ने किया था क्या? यस सर। तो आप भेजो प्रीति का किया, प्रीति प्रीति इज हैविंग समथिंग लाइक कि शी कांट सेंड। सर मैंने ग्रुप पे सेंड किया था। अच्छा ठीक ठीक गुड, ओके फाइन गुड। 0 टू x एक्चुअली क्या है कि अभी हम लोगों को दो महीने से घर पे रहने की आदत है, कल से कॉलेज खुल रहा है, तो पूरा टाइम टेबल जो होता है ना चेंज हो जाता है मतलब अभी। और मुझे कैसा है कि मुझे प्लानिंग बहुत करनी पड़ती है, मतलब आई यूज टू बी लाइक यू वोंट बिलीव, पहले मैं क्या करता था कि कॉलेज का थोड़ा बहुत भी जो काम है वो ठीक है चलता रहता है काम, तो शाम को भी घर पे ही है तो शाम को भी करने का, दिन में भी करने का जब भी मन किया। फिर अगर कोई इम्पोर्टेंट काम है तो 10 to 5 में करो, नहीं तो अपना काम होना चाहिए उससे मतलब है, चाहे आप दिन में करो, चाहे रात में करो, चाहे शाम को करो। बट आई वॉज ऑक्यूपाइड फॉर 24 hours और मैं सोचा यार ऐसे तो नहीं हो सकता। तो लास्ट संडे टू लास्ट वीक संडे से मतलब लास्ट संडे के वीक में पहले मतलब फ्राइडे को 10 दिन पहले करीब करीब चेयरमैन सर ने मीटिंग लिया। उन्होंने की बोली कि आप 10 to 5 जो है ना खाली काम करो, बोले आप भले आप घर पे रह के काम कर रहे हो तो भी काम करो, आप 10 to 5 काम करोगे आपको बाद में कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैंने क्या क्या टाइम टेबल सेट किया कि भले ही वो काम हो ना हो बट कॉलेज का काम ही 10 to 5 करने का। मैंने कि छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा क्या काम हो सकता है कॉलेज का मेरे ऊपर वो मैंने लिखा मैंने, और जब कोई अर्जेंट काम आ रहा है तो काम करने का, नहीं तो नेक्स्ट डे का शेड्यूल बना लेने का कि इस 5 में से या 10 काम में से 4 काम मुझे कल करने ही है। तो 4 काम जो है 6 घंटे में आराम से हो सकते हैं, वो 6-4 काम, अगर उसमें से कोई 2 काम एक्स्ट्रा आ गया बीच में अर्जेंट बेसिस कुछ डेटा देना है तो वो 2 काम नेक्स्ट डे पे शेड्यूल डाल देंगे हम लोग। तो लास्ट वीक मतलब अभी जो वीक गया है ये पूरा मैंने वैसे किया, आफ्टरनून में अगर काम नहीं है तो ऐसा नहीं कि आराम कर लेने का कि थोड़ा देर सो जाने का, ऐसा कुछ नहीं कि टीवी देख लेने का कुछ नहीं, टीवी तो वैसे भी कम कर दिया। तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की लास्ट वीक में 10 to 5 पूरा मैं ऑक्यूपाइड कॉलेज के काम के लिए था माइंडसेट मेरा, शाम का टाइम मेरे पास पूरा फ्री था मेरे पास। आई यूज टू प्ले विथ माई डॉटर, उसको घुमाने के ले जाने का मेन था, घुमाने से अच्छा मेरा माइंड पूरा फ्रेश था, ऐसा नहीं था मुझे एक भी कॉल नहीं आया कॉलेज से मेरे को या कुछ भी कोई इसने डिस्टर्ब किया हो ऐसा नहीं है। हाँ एक आध बार रहता है कि सर ये डेटा अर्जेंटली चाहिए था, 9 बजे तक प्लेसमेंट का डेटा भेजना है, दैट इज डिफरेंट, वो तो सब में रहता है वो, बट आई वॉज फ्री। तो वो एक चीज था, अभी ये इस वीक में वो माइंड सेट करके पूरा गया मैं, अभी मंडे से कॉलेज बुला रहे हैं ये लोग कल से, तो वापस से पूरा मेरे को एक वीक पूरा एडजस्ट करने में लगेगा मेरे को पूरा का पूरा। तो होता क्या है, वंस यू आर हैविंग द एक्सपीरियंस ना, 10-11 साल का एक्सपीरियंस अगर आ गया है तो फिर आपको प्लानिंग करके चलना पड़ता है, क्योंकि एक्सक्यूज नहीं चलते वहाँ पे, नए नए में क्या एक्सक्यूज, वो समझ जाते कि चलो वेट प्रेशर है तो चल जाएगा काम, काम कर रहा है ना बंदा, थोड़ी बहुत इधर उधर हो रही है, मिसमैनेजमेंट चल जाता है। बट जब एक्सपीरियंस आ जाता है आपको तब मिसमैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं चलती है, क्योंकि फिर 10 साल क्या किया आपने, अगर आपको टाइम का ही प्रॉपर नहीं मालूम है यूटिलाइजेशन तो आपने कुछ नहीं किया। सो इसीलिए थोड़ा बहुत जो है अभी कल का क्या करना है वो, तो कल मैंने कुछ भी नहीं प्लान किया, कॉलेज में जाएंगे, जो मैंने 2-4 काम कॉलेज किए वो स्टार्ट करूंगा, कुछ कॉलेज का कुछ काम आ गया तो वही करने का, अभी पूरा वही चल रहा है कैसे करने का क्या करने का ऐसा करके। 10 to 5 नो अदर वर्क एंड दूसरी चीज ऐसी है कि जितनी जल्दी जितनी ज्यादा टेक्निकल चीजें सीख लेंगे उतना आगे काम आएगा, क्योंकि फॉर इंस्टीट्यूट यू आर जस्ट अ 1 पर्सन, और आज अगर आपको 1 लाख पगार मिल रहा है, सो मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको
तो यू वोंट बिलीव इट्स ऑन रिकॉर्डिंग मोड जस्ट अ सेकंड ठीक है कोई बात नहीं रिकॉर्डिंग मोड में भी है तो आई एम नॉट सेइंग समथिंग व्हिच आई डोंट हैव टू we'll talk after at the end of the session just like aap logo ko kuch guidance dena hai baki kuch nahi hai isme guidance dene ke liye but ye technical cheez ke liye video hai so we'll record only the technical things so abhi jo code aaya tha usi ko change karke hum log koshish kar rahe hai abhi hum log 7th wala program jo hai ye wala jo mouse cursor hai ye wala print karne ke liye so ye to theek hai ये क्या करेगा यहाँ वन आएगा तो पांच ऊपर में पांच प्रिंट होगा पांच स्पेस आएगा मतलब इसको उल्टा करना पड़ेगा क्या करेंगे x कॉमा सिक्स वन टू सिक्स मतलब पांच टू मतलब टू टू सिक्स मतलब चार फिर तीन फिर दो फिर एक लेट्स सी द आउटपुट तो ये बराबर है क्या नहीं ये पांच चार तीन दो ऐसा आना चाहिए था हमारे पास एक दो तीन आ रहा है तो स्टार में क्या है यहाँ पे वन करेंगे तो वन ही आएगा ओके फाइन तो एक्स कॉमा जीरो कॉमा माइनस वन तो एक्स मतलब अगेन प्रॉब्लम फाइव और सिक्स सिक्स एक्स ये किया तो ये फाइव है ये फोर है ये थ्री है ये टू है ये वन है ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया क्यों टेढ़ा हो गया वो देखने की कोशिश करेंगे हम लोग स्टार हमारे बराबर है खाली स्पेसिंग जो है वो बराबर नहीं है यहाँ पे सिक्स एक्स तो वन आएगा सिक्स एक्स वन आएगा तो मैं ऐसा मान चलता हूँ चार की स्पेसिंग चाहिए से वन माइनस वन करके देखते क्या आता है नो हमें सेंटर में चाहिए तो एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करना ही पड़ेगा मतलब यहाँ पे अगर एक है यहाँ पे तो यहाँ पे दो टैब होने चाहिए यहाँ पे तीन टैब होना चाहिए यहाँ पे चार टैब होना चाहिए और यहाँ पे पांच टैब होना चाहिए तो टैब मतलब उल्टा जाएगा एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच मतलब क्या हो गया एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करेंगे तो जीरो टू एक्स वन टू थ्री फोर अभी परफेक्ट आ गया ठीक है फॉर एक्स इन रेंज ऑफ वन कॉमा सिक्स फॉर के इन रेंज ऑफ दिस तो ये बराबर आ गया क्यों स्टार जो चाहिए वो ये रहे तो एक्स की वैल्यू वन है मतलब पांच स्टार फिर फोर है तो सॉरी वन है तो पांच स्टार टू है तो चार स्टार तीन है तो तीन स्टार दो है तो चार सॉरी तीन है तो तीन स्टार चार है तो दो स्टार और पांच है तो एक स्टार इस वजह से लूप में स्टार प्रिंट होंगे स्पेस में जब एक्स वन है तो यहाँ पे एक एक स्पेस दिया जब टू आएगा तो यहाँ पे दो स्पेस एक यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक फिर तीन स्पेस एक्स थ्री है तो जीरो वन टू फोर है तो जीरो वन टू थ्री और फाइव है तो जीरो वन टू थ्री फोर तो इस वजह से आपका ये आ जाएगा इसको भी मैं प्रिंट शॉट ले लेता हूँ क्योंकि इट्स सेवेंथ प्रोग्राम सो आई हैव टू सेव दिस विद सेवन अगेन आई विल टेक इट्स प्रिंट शॉट And I'll send it to you.
तो ये प्रोग्राम आ गया है. नाउ व्हाट आई वांट फ्रॉम यू इज कि ये वाला प्रोग्राम आप लोग करके दिखाओ. कौन सा वाला? एट्थ प्रोग्राम. ये प्रोग्राम करके दिखाओ. कैन यू ट्राई? Yes. मैं आपको ये वाला प्रोग्राम वापस से एक बार हल्का सा हिंट देता हूँ. पहला वाला, ये वाला प्रोग्राम, ताकि जिनको नहीं आ रहा होगा, जिनको आ रहा है दे कैन प्रोसीड विद दिस, जिनको नहीं आ रहा है, थोड़ा सा डाउट आ रहा है कैसे होगा, तो मैं पहला वाला जो प्रोग्राम है वो करके दिखाता हूँ, क्योंकि उसमें भी 5 स्टार है हर लाइन में और इसमें भी 5 स्टार है हर लाइन में, खाली स्पेसिंग का डिफरेंस है. तो वो मैं आपको, जिनको आ रहा है दे कैन प्रोसीड विद दिस 8th प्रोग्राम, जिनको नहीं आ रहा है दे कैन वॉच. मैं अभी फर्स्ट प्रोग्राम कर रहा हूं ताकि आप 8th प्रोग्राम कर सको. फर्स्ट प्रोग्राम कैसे करेंगे? फॉर एक्स इन रेंज 1 to 6, print star. एक ही लाइन में चाहिए सारे, बाद में नेक्स्ट लाइन प्रिंट. अगर आप तो ये 5 स्टार ऐसे आ गए. अभी आप प्रिंट डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्लैश एंड देते हो या खाली प्रिंट भी ऐसा लिखते हो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, तो भी वो न्यू लाइन को ही इंडिकेट करता है. वो दिस एंड द प्रीवियस वन बोथ आर सेम. ये दो गए तो भी वही रन होगा जो पहले रन हुआ था, थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा उसको यहाँ पे स्पेसिंग मिल जाती है. ओके फाइन. तो ये आपका आ गया. क्या है? तो एक्स की वैल्यू 1 to 6, मतलब 5 वैल्यू, तो 5 लाइन 1 2 3 4 5. एंड वाई इन रेंज ऑफ 1 to 6, 1 to 6 मतलब 5, वाई 1 2 3 4 5 स्टार, तो 5 स्टार हर लाइन में आ गए. तो इस वजह से वो रन हो जाएगा, हर लाइन में 5 स्टार आएंगे. ठीक है, तो अभी ये प्रोग्राम मैंने कर दिया है आपका इम्प्लीमेंट. अभी आपको करना क्या है, 8th वाला प्रोग्राम जो है वो करके मुझे व्हाट्सएप पे डालने का है. जिसका 8th हो जाएगा वो 9th ट्राई करो. अगर आप लोग 8th पे ही स्टक हो जाओगे तो फिर मैं क्या करूंगा, नाइन्थ पे नहीं जाऊंगा. जिसका 8th हो रहा है वो 9th ट्राई करो. Those who have tried for 8th, they can try for 9th. Those who have tried, जिसको 8th नहीं आ रहा है, पहले 1 ट्राई करो और फिर उसको स्पेसिंग का भी एक बीच में, इसमें क्या आएगा, खाली एक के लूप आएगा और के लूप में स्टार चला जाएगा प्रिंट होने के लिए, और वाई लूप में टैब आ जाएगा या स्पेसिंग आ जाएगा. इतना ही चेंज है 8th में. आई होप सभी का आना चाहिए. इनकेस नहीं भी आ रहा है तो भी डरने की बात नहीं है, बिकॉज वी आर गोइंग टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस, उसमें आपके उसके बाद आ ही जाएगा आपको. सो प्लीज डू, दोज हु हैव डन विद 8th, जिनका 8th का आउटपुट आ रहा है वो 9th ट्राई करो.
सर
जिनको डाउट आ रहा है दे कैन सी द प्रोग्राम सेंड बाय टू स्टूडेंट्स ऑन व्हाट्सएप ग्रुप दे कैन टेक हेल्प ऑफ दैट. जिनका एट्थ का आउटपुट आ गया सुनील एंड साहिल आप नाइन्थ ट्राई करो एंड बाकी लोग एट्थ का पोस्ट करो. स्टिल गेटिंग साहिल नाइन्थ हो नाइन्थ मेरे को पर्सनली पोस्ट करो आप.
सिद्धिका एंड श्रेया आप लोगों का क्या नहीं हो रहा है क्या? कुछ इश्यूज है तो बोलो फिर। सिद्धिका एंड श्रेया हो रहा है सर, एक मिनट। निशा आपने पोस्ट किया है शायद से, किया है क्या? निशा ने पोस्ट किया है। जानवी का भी आ गया है। रसिका व्हाट अबाउट यू? Siddhika has also sent. Shreya, what about you? Sir, I have sent. Sent? Let me check. Yeah. एंड नाइन्थ दोनों हो गए अभी आपके। नाउ कैन समबडी ट्राई फॉर टेंथ? थोड़ा देर, 5 मिनट आप लोग ट्राई करो टेंथ को। अगर टेंथ आ जाता है तो 11th भी आ जाएगा, अगर टेंथ नहीं आया तो कोई बात नहीं, बट आपका लॉजिक मेरे को समझना है कि क्या आपका समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं कि मैं आपके ऊपर डाल रहा हूँ इस प्रोग्राम को, बट थोड़ा सा आप इसको ट्राई करो एक बार टेंथ वाले को। It's not like I'm going to appreciate if you are going to do the 10th one. No, not like that. Give 5 minutes, aap dimag lagao, fir main karke dikhata hu isko. टेंथ में पहले इसके अंदर 1 स्टार है, फिर 3 स्टार है, फिर 5 स्टार है, फिर 7 स्टार है और फिर 9 स्टार है। कैसे करेंगे? जस्ट थिंक फॉर 2-3 मिनट्स, डू दैट इफ
possible, then I will show you. सर लास्ट रो में कितने सारे नाइन ओके सर हिंट दे देता हूं मैं स्टार के लिए आप 2x-1 यूज करो लूप में के वाले लूप में 2x-1 किसी का कुछ आ रहा है क्या? ओके देखो इधर सो वी हैव टू do this program. Yes. So how we are going to do this? See. See this program. Like this. Sir, send के check करो ना WhatsApp.
इतना बड़ा क्यों दिया ये? वो स्टार उधर आ रहा है, थोड़ा शिफ्ट हो रहा है इस साइड, इसके लिए पॉइंट में ज्यादा गैप देने से वो बराबर बैठता है क्या? हाँ सर, उसके लिए एक ऑप्शन है कैरेज रिटर्न का, आर स्लैश आर। ठीक है सर। आउटपुट दिखाया कैसे रन हो रहा है देखो, इधर यहाँ पे आई ले लिया है मैंने, अलग थोड़ा किया आई के एन जे, तीन लूप लिए हैं। कैरेज रिटर्न होता है कि जब वो आपका प्रोग्राम नेक्स्ट इसमें आ गया तो नेक्स्ट लाइन में आएगा और स्टार्टिंग में आएगा, मतलब स्टार्टिंग में लेके जाएगा और बाद में जो भी एग्जीक्यूट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसा। और स्लैश एन जे होता है वो खाली नेक्स्ट लाइन में आपको शिफ्ट करता है, वो किधर लेके जाएगा दैट डजंट, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। बट कैरेज मींस इट विल टेक यू टू द स्टार्टिंग एंड रेस्ट ऑफ द थिंग विल स्टार्ट आफ्टर दिस, मतलब यहां से फिर नेक्स्ट स्टार्ट होगा। बट न्यू लाइन मतलब खाली, स्लैश एंड मतलब न्यू लाइन, दैट्स इट। स्लैश आर मींस कैरेज रिटर्न। अभी देखो तीन लूप लिए आई के जे, आई 5 0 -1, क्यों 5 4 3 2 5 4 3 2 1, तो 5 है ये। नाउ 5 वैल्यू जो है 5 लाइन इंडिकेट कर रही है, हम लोग उल्टा वाला कर रहे हैं क्या? ठीक है पहले ये समझ लेते हैं फिर इसके इसमें करेंगे। तो 5 4 3 2 1, व्हाट इट शोज कि 5 लाइन होंगी, 1 2 3 4 5। ठीक है अभी क्या हो रहा है, जो आई की वैल्यू 5, आई की वैल्यू 4, आई की वैल्यू 3, आई की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 1, फॉर के इन रेंज ऑफ 5 to i 5 comma i, मतलब यहाँ पे आई की वैल्यू 5 आई सपोज, तो क्या होगा टैब आएगा? नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 5 comma 5, इट इज लाइक 5 comma 5, तो एक भी वैल्यू नहीं बैठ रही है के की इसमें, तो यहाँ पे टैब नहीं आएगा, तो यहाँ पे टैब नहीं है, यहाँ पे देयर इज नो टैब ओवर हियर। यस नेक्स्ट, तो ये लूप इधर ही खत्म हो गया। अभी अभी क्या नेक्स्ट में क्या, जे में के वापस से ये 5 i की वैल्यू 5 यहाँ पे आ रही, तो 5 2 10 -1 क्या आ गया 9, तो 0 to 9, 0 to 9 मतलब क्या हो गया 9 star प्रिंट कर दो, तो 9 star प्रिंट हो गए। फिर कैरेज तो नीचे आ जाएगा, अभी क्या हो रहा है नीचे में आई की वैल्यू 4 हो गई, आई की वैल्यू 4 हो गई मतलब यहाँ पे 4 हो गया मतलब क्या हो गया, अभी यहाँ पे के की वैल्यू एक ही बैठेगी, क्या बैठेगी 5 comma 4, मतलब एक बैठ रही है के की वैल्यू दैट इज 5, तो एक बैठ रहा है वैल्यू, मतलब इस वैल्यू के लिए यहाँ पे क्या करेगा वो टैब देगा, तो यहाँ पे आपको एक टैब मिल गया। ठीक है फिर नेक्स्ट, वही जो के की आई की वैल्यू 4 थी ये वाली, ये आगे फॉरवर्ड हो रही है जे में, तो 4 2 8 -1 तो कितना हो गया 7, तो 7 क्या 0 to 7 मतलब 0 to 7 मतलब यहाँ पे आई की वैल्यू 4 i मतलब क्या हो गया 2 4 8 -1 7, तो कितनी कितनी बैठ रही है अपने को जे की वैल्यूज 0 फॉर i इज इक्वल टू 4 के लिए कितनी वैल्यूज बैठ रही है जे की 0 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 7 आ रही है, 7 star आ रहा है, मतलब 7 star यहाँ पे दिख रहा है आपको। बाद में क्या वैल्यू आ गई 3 वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया, मतलब k का वैल्यू कहाँ पे होगा जब x is, i is equal to 3 हो गया, तो k की वैल्यू क्या आ रही है 3, सॉरी के की वैल्यू कौन कौन सी होगी 5 and 4, दो वैल्यू होगी, 3 तो आएगा नहीं क्योंकि 3 लास्ट वैल्यू है तो वो इंक्लूड नहीं होता है, तो ये दो वैल्यू आएगी, मतलब उसके लिए 2 टैब चाहिए, उसमें प्रिंट क्या करना है टैब, तो नेक्स्ट लाइन जो है उसमें टैब रिटर्न जो हो रहा है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और यहाँ पे टैब दे रहा है उसको। ठीक है अभी क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे जब 3 पुट किया हम लोगों ने, सो 2 3 6 -1, तो यहाँ पे 5 आ गया मतलब 0 to 5, तो जे की वैल्यू क्या होगी, जे की वैल्यू में 0 1 2 3 4 इतना ही आएगा, तो 5 वैल्यू आ रही मतलब यहाँ पे 5 star आ जाएंगे, क्यों? क्योंकि स्टार है यहाँ पे, इस वजह से वो रन करता जाएगा और लास्ट में जो वैल्यू है वो क्या आएगी 1 वैल्यू है इसकी,
सो वन वैल्यू पे क्या होगा, यहाँ पे वन आ जाएगा, यहाँ पे वन आ गया मतलब 5 4 3 2 चार टैब आएंगे, चार टैब आएंगे मतलब, चार टैब मतलब 1 2 सॉरी यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे एक, एक दो तीन चार, एक्चुअली यहाँ पे स्टार के लाइन में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये स्टार वाली लाइन, लास्ट वाली जो स्टार लाइन उसमें, उसके तो चार टैब आ गया, फिर यहाँ पे क्या वन वैल्यू आई, सो 2 1 2 -1 तो 1, तो 0 2 1 2 -1 तो ये वैल्यू 1 हो गई, तो 0 2 1 मतलब एक ही वैल्यू आएगी दैट इज 0, बाकी ये सब नहीं आएगा, तो एक वैल्यू पे स्टार प्रिंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे slash n दिया होता तो क्या आता था, वो भी देख लेते हैं हम लोग, तो इस वे से आता वो, यहाँ पे वो इस वे से उसको एक n मतलब यहाँ पे क्लिक, फिर दूसरा n मतलब यहाँ पे क्लिक, ऐसा चलो एक n करके देखते हैं हम लोग क्या फर्क पड़ रहा है। कुछ फर्क पड़ा क्या? Do you think is there any difference? कोई डिफरेंस में? क्या डिफरेंस है बताओ? सर वो क्लोज था पहले वाला डायग्राम। हाँ? पहले वाला वो थोड़ा क्लोज था शायद। हाँ तो वो यहाँ पे लाइन मिल गया ना? यहाँ पे एक लाइन मिल गया मतलब यहाँ का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है और उसमें क्या होगा ये थोड़ा सा ऊपर में आ जाता है मतलब इसमें स्पेसिंग जो है वो कम हो जाती है दो अल्टरनेट लाइन में। जैसे कि यहाँ पे मैंने आर किया, एक आर करके देखते हैं, फिर दो आर करके देखेंगे, वहां पे लाइन स्लैश एन क्या है तो यहाँ पे एंटर जैसा होता है नेक्स्ट लाइन में जाके एक स्पेस मिलता है उसको दो वर्टिकल में, दो आर किया तो तीन आर किया तो पांच आर किया तो उससे पास आ ही नहीं सकता वो, इसीलिए पांच डालो या दस डालो उतना ही रहेगा। आर यू गेटिंग इट? बेसिकली कैरेज रिटर्न मींस इट शुड स्टार्ट विद द, मतलब स्टार्टिंग में आ जाएगा वो और वहां से स्टार्ट होगी, एंड मींस नेक्स्ट लाइन है बट इट डजंट एश्योर यू अबाउट स्टार्टिंग ओनली, विल गिव यू अ वर्टिकल डिस्टेंस एंड विद नेक्स्ट लाइन। अभी अगर मुझे ये वाला चाहिए, मैंने अभी आपको ये वाला करके दिखाया 11th वाला, लेट मी सेव दिस विथ 11th, अदरवाइज आगे आके आपको प्रॉब्लम आएगी फिर। तो दिस इज 11th, ठीक है। अगर मुझे अभी 10th वाला इंप्लीमेंट करना है, ये वाला, तो कैसे करेंगे? ऊपर में एक स्टार चाहिए, लास्ट में 9 स्टार चाहिए, तो स्टार में चेंजेस करना पड़ेगा पहले, तो 0 -1 ये आ गया। अभी यहां से 9 to 0 तो 9 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, स्टार का तो इश्यू खत्म हो गया। अभी टैब का इश्यू, टैब का इश्यू क्या है, स्पेस का, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यस। तो 4 से स्टार्ट करने के लिए वन टू फाइव किया तो 1 2 3 4
सर सिर्फ आई को चेंज कर दो, 1 to 6 कर दो और के को वैसे ही रहने दो. यस सर 1 to 6. यस सर. वन थ्री फाइव सेवन नाइन. अभी और अच्छा हो गया ये, है ना, जैसा चाहिए था वैसा थोड़ा सा, क्योंकि इधर स्पेसिंग भी दिख रही है दो लाइंस के बीच में यहाँ पे. सो दैट विल गिव यू दिस वन. ठीक है, तो ये प्रोग्राम जो है हमारा 10th वाला है. सब उलट पलट हो गया. ठीक है, बाद में मैं उसको सेग्रीगेट करके भेज दूंगा आपको. दिस इज 10. ठीक है, व्हाट वाज 11? व्हाट वाज 11? दिस वाज 11. ओके 11. ठीक है, कुछ चेंज नहीं आया उसमें. यहां से कॉपी करके मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ. ठीक है, नाउ नेक्स्ट दिस वन स्टार. एम आई गोइंग फास्ट? यस सर. हाँ हेलो. हेलो. नो सर. लेट मी आस्क, लेट मी आस्क फ्रॉम फ्यू स्टूडेंट्स. सिद्धिका, एम आई गोइंग फास्ट? नो सर. जानवी, एम आई गोइंग फास्ट? नो सर. निशा, निशा सर. ओके, सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद दिस प्रोग्राम. कैसे करेंगे? डायमंड बोलेंगे इसको. क्या बोलेंगे? डायमंड स्टार पैटर्न. डायमंड हमें प्रिंट करना है. I'll show you this. This is that program. We'll run it. See. कैसे आ रहा है? See. For num is equal to 9. एक नम वेरिएबल क्यों लिया है? क्योंकि आगे हमें यहाँ पे इसके लिए लिया है, अदरवाइज हम लोग नहीं लेते थे. सो नम इज इक्वल टू आई इज इन द रेंज ऑफ 1 to num+1. मतलब आई की वैल्यू यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 10 है. आई की वैल्यू 1 to 10 है. आई की वैल्यू इन रेंज ऑफ 1 to 10 है. ठीक है, आई की वैल्यू 1 to 10 है. वो यहाँ पे भी डाल सकते थे हम लोग, बट हम लोगों ने नम वेरिएबल लिया है. अभी क्या हो रहा है? आई की वैल्यू क्या होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. इतनी वैल्यूज होंगी यहाँ. अभी 10 हम लोग इंक्लूड नहीं करते उसमें. ठीक है, अभी क्या हो रहा है? I is equal to I minus num double slash 2+1. इसका मतलब क्या होता है? What is the use of this? Anybody?
आउटपुट क्या देगा वो? इंटीजर में नंबर देगा, इंटीजर में देगा, बट क्या देगा वो? 9 double slash 2, मतलब क्या देगा आउटपुट पे? 9 double slash 2, इसका क्या आउटपुट है? 9 double slash 2, जब डाउट आए तो क्या करने का? कंट्रोल एन करके नया प्रोग्राम ओपन कर लेने का, एक्स इज इक्वल टू 9 double slash 2, सेल वैल्यू देंगे सर, सेल वैल्यू सेव किया, रन करते हैं, छोड़ दिया, मतलब क्या आउटपुट है? क्या दे रहा आउटपुट पे वो? कोशेंट दे रहा है वो आउटपुट पे, वो भी इंटीजर में, समझ में आ रहा है आपको? कोशेंट दे रहा है, इंटीजर मतलब कोशेंट दे रहा है बाय डिफॉल्ट, ठीक है? अगर इसको 12 किया तो क्या देगा बताओ मेरे को? 6 देगा, 6 आया, ठीक है, ये क्लियर हो गया। वापस आते हैं प्रोग्राम पे, तो फिलहाल हम लोगों ने नम जो वेरिएबल है वो कांस्टेंट रखी है 9। यहाँ पे आई क्या है? पहले बार जब ये लूप फर्स्ट टाइम रन हो रहा है तो आई की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे आएगा 1 minus 9 double slash 2 में, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे 4 आएगा, 4 plus 1 क्या आया? 5, 1 minus 5, तो आई की वैल्यू क्या हो गई? -4, आई की वैल्यू क्या हो गई? -4। मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे रन करके देख ले, रन करके रखता हूँ ताकि आपको मैं आउटपुट दिखाता रहूंगा, ठीक है? अभी क्या हो रहा है, जब i की वैल्यू, इफ i इज लेस देन 0 मतलब नेगेटिव होगा, तो i इज इक्वल टू -1 मतलब i को पॉजिटिव कर दो, तो अभी i की वैल्यू आगे जो पास होगी वो क्या पास होगी? 4 पास होगा, ठीक है? अभी i की वैल्यू चाहे यहां पे नेगेटिव भी मिल जाए तो भी आगे पॉजिटिव ही पास होगा वो, ठीक है? फिर क्या हो रहा है यहां पे, क्या बोल रहा है वो? टैब इंटू आई, मतलब 4 टैब देने के, मैं ऐसे करके करके रखता हूं ताकि आपको समझ में आएगा, प्लस स्टार टैब इंटू नम माइनस आई इंटू 2, व्हाट इज नम? नम इज 9, माइनस आई इंटू 2, व्हाट इज आई? आई इज 4, 4 into 2, सो 8, सो 9 minus 8 मतलब 1, तो क्या आ गया? 1 star खाली प्रिंट करना है, 4 tab उसके बाद 1 star उसके बाद i into tab, तो 4 tab फिर से प्रिंट करना है, तो 4 tab star 4 tab, तो 1 star आना चाहिए, मतलब कौन सा आएगा? या तो ये आएगा या तो ये आएगा, ठीक है? तो हम लोग 4 tab कहाँ पे आ रहे हैं? 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, और फिर स्टार, बीच में स्टार प्रिंट हो गया, ठीक है? अभी नेक्स्ट वैल्यू क्या है? मैं ये सब डिलीट, बीच वाले सारे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? अभी क्या आ रहा है? अभी i की वैल्यू 2 ली हम लोगों ने, क्या ली? 2 ली, तो जब 2 लेंगे तो यहाँ पे i की वैल्यू क्या हो गई? 2, दिस i इज 2, माइनस नम डबल स्लैश 2, नम मीन्स 9, डबल स्लैश 2 मीन्स दैट विल गिव यू 4, 4 प्लस 1 दैट इज 5, 5 माइनस 2 सो दैट विल बी 3, माइनस 3, i की वैल्यू -3 हो गई, बोला हुआ है इफ i इज लेस देन 0 सो i इज इक्वल टू -i, तो आगे पास क्या होगा? पॉजिटिव 3 पास होने वाला है, तो यहां पे क्या आएगा? i इनटू टैब,
सो आई इंटू टैब मीन्स तीन बार टैब, नम मतलब नम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नम, नम इज नाइन, वी हैव बीन ऑलरेडी डिक्लेयर दैट, माइनस आई इंटू टू, सो आई इज थ्री, पॉजिटिव आई आगे पास होगा, तो थ्री इंटू टू व्हाट इज दैट सिक्स, तो थ्री स्टार्स, सो थ्री इंटू स्टार टैब, मतलब इन बीच में टैब जो है वो स्टार के बीच में, बट ये फिलहाल हमें ध्यान क्या देना है कि तीन स्टार प्रिंट होने चाहिए, प्लस प्लस मतलब ये वाला प्लस, ये वाला टैब इंटू आई, आई इज व्हाट इज आई थ्री, सो इट इज थ्री दिस वन, तो क्या आएगा तीन स्टार वाला लाइन कौन सा है, ये वाला, तो एक दो तीन, फिर तीन टैब हो गया, फिर तीन स्टार, तीन स्टार कौन से, ये वाले, फिर तीन टैब, एक दो तीन, यस, ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, थ्री भी ले लेंगे, फोर भी ले लेंगे, फाइव भी ले लेंगे, ठीक है, सपोज एक दूसरी वैल्यू लेके देखते हैं हम लोग सिक्स की, ठीक है, क्या चेंज आता है, तो i की वैल्यू जब 6 हो जाएगी तो क्या होगा, तो यहाँ पे 6, मैं इसी को इस लाइन को सॉल्व कर रहा हूँ, वैसे आपको समझ में आता ही होगा फिर भी बता देता हूँ मैं, माइनस नम स्लैश टू, थ्री बाई डिफॉल्ट 5 ही रहेगा, 5 ही रहेगा मतलब, तो यहाँ पे 1 आ गया, अभी पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया तो इफ वाले स्टेटमेंट में जाएगा नहीं, इफ वाले स्टेटमेंट में क्या जाएगा, अगर इफ i इज लेस देन 0, i लेस देन 0 है क्या, नहीं, तो डायरेक्टली वो फिर यहाँ पे आ जाएगा वो, अगर i इज लेस देन 0 है तब वो ये वाले पे जाने के बाद फिर आगे आएगा वो, ऐसा, तो i इज 1, 1 मींस पॉजिटिव, पॉजिटिव 1 है वो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 इंटू टैब, तो एक टैब आ गया, प्लस स्टार नम, नम इज 9, माइनस i इंटू 2, i इज व्हाट, इट्स 1 इंटू 2 मतलब 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 स्टार्स विद टैब, टैब मतलब उनके बीच का जो गैप है वो, ये 7 स्टार्स प्रिंट होंगे, प्लस प्लस आई क्या है, व्हाट इज आई 1, तो एक टैब आएगा यहाँ पे, तो 7 स्टार कहां पे है, 1 2 3 4 5 6 7, पॉजिटिव वैल्यू के लिए हम लोग ऊपर के ले लेंगे, नेगेटिव वैल्यू जो आई की आती है वो नीचे वाले में चले जाएंगे सारे के सारे, ठीक है, तो आई गेस 5 जो है 4 तक जो रहेगा वो नीचे वाली वैल्यूज रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस मिलेगा बाद में आगे पॉजिटिव जा रहा है, तो माइनस वाली नीचे की रहेंगी, और जब डायरेक्टली पॉजिटिव मिलता है तो वो ऊपर वाली वैल्यूज रहेंगे सारे के सारे, यहाँ पे भी 1 स्टार है, यहाँ पे भी 1 स्टार है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ऐसा, तो जब डायरेक्टली पॉजिटिव मिल रहा है तो ऊपर ले लो, नेगेटिव मिल रहा है फिर पॉजिटिव कर रहे हैं हम लोग, नीचे वाला ले लेने का, ठीक है, तो ये यहाँ पे 7 स्टार विथ 1 टैब, तो यहाँ पे एक टैब, फिर 7 स्टार आ गया, फिर एक टैब, इस वजह से हो रहा है, एक ये वाला लेके देखेंगे या कोई भी दूसरा भी आप इस वजह से लेके देखो, ये वाला सेंटर वाला देखते हैं अगर चाहिए तो एक बार, तो 5 ले लेंगे वैल्यू, करके दिखाऊं कि समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है, 5 पे भी बताऊं क्या कि समझ में आ रहा है अभी, हेलो, यस सर, 5 वाला भी करके दिखाता हूं, चलो अभी आप लोग बोलोगे कि सर ये आया कैसे लॉजिक, तो लॉजिक आता कैसे है बताता हूं मैं आपको,
लॉजिक के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूँ, वो उस पर आप दिमाग लगाओ। जब आप दिमाग लगाओगे ना तब अपने आप आते हैं। पहला आता है कि ये प्रिंट कैसे होगा, फिर जब आपका कहीं आसपास में इसके पहुंच गए तब आपको नेगेटिव कहीं पे वैल्यू आ रही है उसके वजह से इधर उधर हो रहा होगा, फिर आपका दिमाग आता है कि इफ लगा के हम लोग नेगेटिव को पॉजिटिव कर सकते हैं क्या, फिर आपको आएगा कि जो यहाँ पे 1 to 10 किया हुआ है बट यहाँ पे जो है कहीं एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जो कि वैल्यू कांस्टेंट कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर आप उसको पी लोगे और वो पी को ऊपर आप एक कांस्टेंट वैल्यू डाल लोगे। तो ये सब जो चीज है वो प्रोग्रामिंग स्किल्स है, लॉजिक आपका कैसा काम करता है उसके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है। और ये कैसे आया उसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं होमवर्क दे के जाने वाला हूँ, पूरा हफ्ते आप दिमाग लगाओ उसके ऊपर, और फिर जब आप जिस जो क्लोज पहुंच जाएगा ना उसके बाद जब मैं आपको आंसर दिखाऊंगा उस क्वेश्चन का तब आप बोलोगे यस सर समझ में आया हमको क्यों हो रहा है, जो सही में लगाएगा दिमाग उसको। ठीक है, 5 के लिए भी हम लोग वैसे ही कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया 5 पे वो कैसे वर्क करेगा कहने का मतलब वैसा है। देखो 5 है तो यहाँ पे आई 5 हो गया माइनस 5 तो आई की वैल्यू क्या हो गई 0, 0 मतलब क्या इट्स नॉट लेस देन 0, लेस देन 0 इट इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पे डायरेक्टली आएगा, तो ये 0 मतलब एक भी टैब नहीं, ये 0 मतलब एक भी टैब नहीं, तो टैब एक भी नहीं, टैब एक भी नहीं। हाँ 9 माइनस आई, व्हाट इज आई, आई इज 5 माइनस 5 इंटू 2 10 10 here is the problem, so what it will be minus of star is it 5 na I is 5 into 2 so 10 minus star so एक स्टार आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे कितने स्टार आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 व्हाट इज आई एक्चुअली, आई इज 0 सॉरी आई इज 0 क्योंकि 5 माइनस 5 हो जाता है तो ये 0 है, ये 0 हो गया मतलब 9 इंटू स्टार तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे टैब एक भी नहीं प्लस 9 स्टार और स्टार के बीच में टैब और यहाँ पे बाद में आगे कुछ भी टैब नहीं, तो ये जो वाली लाइन है आपकी वो विदाउट स्टार्टिंग और एंडिंग टैब के हो रहा है और टोटल 9 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, 3 4 5 6 7 8 9, तो इस वजह से आप इस प्रोग्राम को कर सकते हो। आप क्या करना है, ये प्रोग्राम को एज इट इज करो, जो मैं यहाँ पे स्नैपशॉट निकाल के भेज रहा हूँ इसको एज इट इज इम्प्लीमेंट करो। आपको अगर आपका लॉजिक लगाना है कि सर ऐसा नहीं हम लोग ऐसा कर सकते हैं तो आप बिंदास लगाओ, और वो लगाने के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ वो आप वर्कआउट करो, जिसको हो जाता है मुझे व्हाट्सअप कर देना, मंडे हो गया ट्यूजडे हो गया वेनेसडे हो गया जब भी हो जाता है आपको तब आप करके मुझे व्हाट्सअप करो, तब मैं जब लास्ट में जब मैं आपको बताऊंगा फिर यू विल अंडरस्टैंड कि क्या हुआ इसके अंदर। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आप रेफरेंस यहां से देख सकते हो और उसके हिसाब से आउटपुट चेक कर सकते हो। अभी जो लास्ट प्रोग्राम है हमारा ये आपको मैं वीक में सोचने के लिए दे रहा हूँ, तब तक आप ये सारे अगर प्रैक्टिस कर लोगे और उसके बाद आप ये करोगे तो शायद से आ जाएगा, आप आपके हिसाब से कर सकते हो। क्या कर सकते हो, एक ऑप्शन कैसा है, आपने ये वाला किया हुआ है अलग से प्रोग्राम, ठीक है ये वाला भी आपको मालूम है 3 से स्टार्ट करना ऐसे करके और दोनों को कंबाइंड, एक वे ये है ठीक है उससे करके देखो अगर आउटपुट आ जाता है तो इट्स वेल एंड गुड। ठीक है तो इसको आप सोचो और ये वाला लास्ट वाला प्रोग्राम जो है वो आप करो। दिस इज 13 प्रोग्राम, दिस आई एम गिविंग यू एज होमवर्क।
ठीक है, इसका स्नैपशॉट निकाल के मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ। करण का आ गया क्या? ऑलमोस्ट सही है लग तो रहा है। आउटपुट दिखाओ ना, आउटपुट का है? ठीक है, बाकियों को ट्राई करने दो। करण ये प्रोग्राम पास मत करना किसी को, उनको ट्राई करने दो। हेड से मारा है क्या? नहीं सर। हेलो हाँ ठीक है। सो वो वाला क्वेश्चन होमवर्क में वो करो आप लोग। अभी देखो यहाँ पे ये एक है TIOBE, दिस इज व्हाट इट शोज कि जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनकी रैंकिंग क्या है, अभी लास्ट ईयर क्या थी और इस साल क्या है। तो अभी इस साल जून 2021 में फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? सी लैंग्वेज। ये दिख रहा है क्या आप सभी को जो मैं दिखा रहा हूँ अभी? यस सर। जून 2021 में सेकेंड पोजीशन पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन है। लास्ट ईयर जून 2020 में इसका पोजीशन थर्ड पोजीशन था, ठीक है। अभी थर्ड पोजीशन पे जावा आ गया है, जावा लास्ट ईयर सेकेंड पोजीशन पे था। फिर C++, C#, विजुअल बेसिक, जावास्क्रिप्ट, PHP एट्थ पोजीशन पे है। आर लैंग्वेज का मैंने अभी जस्ट चेक किया है शब्द, बिकॉज लास्ट ईयर जब मैंने इसी टाइम में व्हेन आई लुक्ड इनटू इट, सो आर लैंग्वेज ऊपर आया था। मींस इनिशियली इट वाज ऑफ 27th पोजीशन, मे बी 2019 में और 2020 में वो समथिंग 18 से 9 पे आया था, वो ऐसा कुछ था। और अभी वापस से 40 पे चला गया आर लैंग्वेज, बट इसकी डिमांड है। अभी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मैं आपको बताता हूँ क्या है। पाइथन के आगे एप्लीकेशन है मशीन लर्निंग में, डेटा साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब हर जगह इसका यूज होने वाला है। मशीन लर्निंग जो चीज हम लोग अभी सीख रहे हैं 2020 में, यू वोंट बिलीव कि 1960 या उसके आसपास में किसी बंदे ने उसके ऊपर एक पेपर पब्लिश कर दिया था ऑलरेडी, जिसके 50-60 साल बाद हम लोग उसको हेलो वर्ल्ड से सीख रहे हैं मशीन लर्निंग को और उसके आगे जो भी है। मतलब पाइथन का तो नहीं बोलूंगा मैं, बट मशीन लर्निंग जो था कि कंसेप्ट क्या है, इसको क्या होता है एग्जैक्टली, ये चीज अब लोग अभी सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि 50-60 साल पहले, 50 साल पहले ही किसी बंदे ने उसके ऊपर एक पेपर बना के डाल दिया। पेपर मतलब क्या होता है, हम लोगों ने कोई काम किया तो उसके ऊपर IEEE पेपर हम लोग बना के हम लोग उसको इम्प्लीमेंट डालते हैं। मतलब सो वी आर लैगिंग सो मच बिहाइंड, ठीक है। पाइथन जो है, जब मैंने 2005 में इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था, ओके सो आवर सेशन इज ऑलमोस्ट ओवर, आई विल वाइंड अप विद दिस, इसका रिकॉर्डिंग जो है मैं बंद करता हूँ।